दोस्तों, मैं रोहित महाना, आपका दोस्त, चाचा का बायोस्कोप से आपका स्वागत करता हूं। आपने और हमने मिलकर उत्तराखंड सीरीज के एपिसोड नंबर 1 नानक मत्ता से स्टार्ट कर एपिसोड 13 तक हमने खलिया टॉप तक खूब एंजॉय किया। अब हम इस एपिसोड 14 के अंदर हम चल रहे हैं पाहू, जहां माँ का मंदिर, जिसे यहां का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इस समय हम पहुंच चुके हैं बिरथी, और ये बिरथी फॉल के ऊपर मैं पूरा एपिसोड डाल चुका हूं। इस पूरा ट्रैक मैंने उसमें दिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको क्लिक कर बिरथी ट्रैक और बिरथी फॉल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत फॉल है, आपको देखने में मजा आएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। बिरथी फ्लाईओवर के अपोजिट का सीन आप देख रहे हैं, पानी बिरथी फॉल का यहाँ बहता हुआ, और सामने ही भोलेनाथ का मंदिर है। ये क्विटी से 2 किलोमीटर पहले, थल से 29 किलोमीटर पहले। आज हम क्विटी से थल होते हुए जाएंगे पाखू। पाखू माता का मंदिर है, माता के मंदिर दर्शन करेंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा पाखू, और देखते हैं पाखू और जानते हैं वहाँ माँ के मंदिर के बारे में। बताया जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड का। तो थोड़ा सा व्यू देखिए, अभी हम जा रहे हैं थल की तरफ। थल यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। थल में पेट्रोल पंप भी मिलेगा हमें, गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे, और पेट्रोल भरवाने के बाद हम लोग पाखू की तरफ चलेंगे। पूरे रास्ते में आप सीनिक ब्यूटी का एंजॉय लेंगे, और ये रास्ता ऐसा है कि आप जगह जगह रुकने पर मजबूर होते रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया सीनिक ब्यूटी आपको मिलने वाली है। नदी हमारे साथ साथ चलती है, और हम लोग काफी डाउन में आ जाते हैं। आप सारे रास्ते एंजॉय करने वाले हैं। पाखू तक का रास्ता बहुत बेहतरीन रास्ता है। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, और इस खूबसूरत नेचर और बढ़िया रास्ते का एंजॉय जरूर कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। और दोस्तों, जैसे मैं सारे रास्ते बोलता आ रहा हूँ, कोट काली मंदिर, और वहाँ पहुँचकर मुझे मालूम पड़ा कि ये कोट गाड़ी कोकिला माता मंदिर है। एक्चुअल नाम इसका कोट गाड़ी कोकिला माता मंदिर, और क्योंकि रास्ते में या जहाँ भी हम पूछते हैं तो हमें यही बोलते हैं कि कोट काली मंदिर, कोट काली मंदिर, तो उसी हिसाब से हम इसको प्रोनाउंस करते रहे, कोट काली। तो ये कोट गाड़ी कोकिला माता मंदिर हम लोग चल रहे हैं, दर्शन करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, एक्साइटमेंट पूरा रहेगा आपको, नेचर का फुल एंजॉय करेंगे। ये नाचनी गांव से हम लोग निकल रहे हैं, एक छोटा सा कस्बा पड़ेगा नाचनी। फ्लाईओवर से निकलते हुए बहुत मज़ा आता है, रिवर पे व्यू बहुत अच्छी नेचर नज़र आती है, बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है, चीज़ों के शब्द नहीं है, ये जाकर देखने में ही एहसास कराते हैं कि कितनी सुंदर लोकेशन। ये ऐसे रास्ते हैं जो लगभग अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोग बहुत कम जाते हैं, टूरिज्म अभी यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इस तरफ अगर अपना रुख करेंगे, आप जाएंगे तो आप इन रास्तों को, इन जगहों को भी एंजॉय करेंगे। वाकई बहुत अच्छी जगहें हैं, ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। थल से 7 किलोमीटर पहले बहुत ही सीनिक ब्यूटी देखिए फ्रेंड्स, कितना
व्यू इतना अल्टीमेट व्यू है यहाँ पर, ग्रीन और एकदम नीचे रिवर चलती हुई, रिवर की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत। थल में आपको दो पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, थल में पेट्रोल अवेलेबल है। अभी हमने अपना टैंक फुल करा लिया है। धारचूला हमने लास्ट टैंक फुल कराया था। काफी बड़ी मार्केट है थल के अंदर, मेन रोड के ऊपर ही। ये हम लोग ब्रिज क्रॉस करके राइट, थल से राइट की तरफ आ गए हैं पंखु के लिए। पंखू ने यही रोड कितना दूर होगा यहाँ से? 15 किलोमीटर आगे से ये रेड को जाना पड़ेगा। ये आरबी छोड़ के फिर एक लिंक रोड आएगी अंदर। अच्छा ठीक, कितने किलोमीटर बाद? 15 किलोमीटर बाद। थल से हम पंखू की तरफ बढ़ रहे हैं और कोट काली का मंदिर है, कोट काली मंदिर दर्शन करने चलेंगे। बहुत ही बढ़िया नेचर, से जब हम फ्लाईओवर क्रॉस करके आते हैं राइट की तरफ तकरीबन 15 किलोमीटर हमको आगे जाना होगा, तो आधे घंटे के करीब हमारे को लगेगा वहां पहुंचने में। और आप और हम मिलकर कोट काली मंदिर, काली माँ का मंदिर में दर्शन करेंगे। अल्टीमेट व्यू फ्रेंड्स, धूप छन के ऊपर से आती हुई और ये पहाड़ों की चोटियाँ लगातार एक के बाद एक चोटी इतना सुंदर एहसास दे रही हैं। और ये गांव छोटा सा यहाँ पर, वैली का बहुत ही अल्टीमेट व्यू, और नीचे आप देखेंगे रिवर का, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, बहुत ही सुंदर बहती हुई रिवर, बड़ा ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। सीनिक ब्यूटी एकदम मस्त। कोट काली मंदिर से तकरीबन 12 किलोमीटर पहले हम लोग थल से 3 किलोमीटर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। जब आप थल से पाकू की ओर बढ़ेंगे तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपके जहन में ये जरूर आएगा कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। वाकई ऐसी जगहें हैं, इतनी अच्छी नेचर है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, एकदम अल्टीमेट क्लाइमेट आपको यहाँ मिलने वाला है। आप अपने फैमिली के साथ इस ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं, खासकर थल से जो पाकू तक का एरिया है, आपकी निगाहें हटेंगी नहीं इस एरिया से। जगह जगह आप रुकते हुए इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको रियली आपको महसूस होगा, ऐसा ही महसूस होगा कि हमें यहाँ पहले भी आना चाहिए था, हमने मिस कर दिया। और
घर आकर भी जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई हम किसी जगह पे घूम कर आए हैं, कोई हमें ऐसी जगह मिली है जहाँ हमने बहुत एंजॉय किया, जहाँ नेचर को और सड़क भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, एकदम रीजनेबल, पॉकेट फ्रेंडली और एयर फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली, मैं शब्द निकलेंगे फ्रेंडली ही फ्रेंडली है। लोग भी आपको यहाँ अच्छे मिलने वाले हैं, आपके हेल्पफुल नेचर के लोग आपको मिलेंगे, इसको आप एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, ये वो अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जहाँ हम कभी घूमने की सोचते भी नहीं हैं। सीनिक ब्यूटी आप देखें कितनी शानदार, यहाँ से अल्टीमेट व्यू, ट्रीज के जो ये जंगल बना हुआ है इतना बेहतरीन लुक दे रहा है कि वाओ, शब्द नहीं है। ये पांखू कोटकाली टेंपल की ओर जाते हुए इस रोड भी हमें अच्छी मिल रही है और पूरा रास्ता सीनिक ब्यूटी, अल्टीमेट सीनिक ब्यूटी। बहुत ही व्यू, मतलब शब्द नहीं रह जाते, एकदम ठंडक का एहसास, भीनी भीनी बीच बीच में छन के धूप आती है, बादल आ जाते हैं, बहुत ही शानदार व्यू, वाओ, गजब का सीन, गजब की सीनरी। किला माता द्वार, ये जो अभी तक हम लोग बोल रहे थे, हमें बताया गया था कोटकाली मंदिर, एक्चुअली ये कोकिला माता द्वार, ये टेंपल जो है कोकिला माता, ये कोटकाली मंदिर बोलते हैं या कोकिला माता? कोकिला माता, अच्छा, कोकिला माता द्वार कोटकाली मंदिर। तो जो मैं कोटकाली मंदिर अभी तक बोलता आ रहा हूँ वो भी ठीक है, और कोकिला माता द्वार है ये। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये हम लोग कोटकाली माँ के हैं, कोट गाड़ी गाड़ी कोट गाड़ी कोकिला कोकिला माता, ये हम कोट गाड़ी कोकिला माता मंदिर के बिल्कुल दरवाजे के पास में प्रसाद की दुकान पर हैं और प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ का ट्रेडिशन हम जानते हैं, उसी के अनुसार हम भी प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या यहाँ ट्रेडिशन? नारियल, चुन्नी और श्रृंगार हो गया, श्रृंगार, तेल हो गया, तेल, फल में केला हो गया, अच्छा, और धूप भी जला सकते हैं, हो गया, एक अच्छा, रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रसाद ले लिया है। आपका नाम? दीपक भट्ट। दीपक भट्ट, दीपक भट्ट जी की ही सामने दुकान है, यहाँ से हमने प्रसाद लिया है और चलते हैं अभी। है 6 मीटर दूरी में माता मंदिर, अभी आगे है मंदिर? आगे आगे आगे, अच्छा ठीक है। यहाँ से 100 मीटर आगे माता का मंदिर है। तो यहाँ इधर क्या, ये सब प्रसाद की दुकानें हैं, मतलब इसकी वजह से चल के जाना। अच्छा। यहाँ पर यहाँ से आगे जो नीचे ये मंदिर है, भंडारी गोलू करके मंदिर है, भंडारी गोलू जहाँ पे बकरा कटता है। अच्छा, वो वापिस आके देख सकते हैं, आके आप नीचे देख सकते, वहाँ पे खिचड़ी चढ़ती है, खिचड़ी चढ़ती है, काला कपड़ा, काला कपड़ा, झंडा बोलते हैं, झंडा, अच्छा, ये वाला हो गया। और साथ में वहाँ से जो बकरा लेके आता है, उसके साथ में मुर्गा, अच्छा, वो कटता है वहाँ पे, वहाँ रोज एक कटता है, मतलब पूजाएं कितनी होंगी वहाँ पे, हाँ, जैसे आज 10-12 पूजाएं, जैसे अगले महीने मंगसी और पूस में,
और ज्यादा करते हैं, इन ये महीने पूजा वाली ज्यादा है। अच्छा, इसमें अच्छा मतलब अच्छा 40 से 50 बकरे पर डे कट जाते हैं। और ये अभी भी कट रहे हैं? अभी भी कट रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी वही गई हुई नीचे। अच्छा, पूजा पहले उधर चल के जा सकते हैं ना, ये वहाँ गाड़ी नहीं जाती, ये पैदल रहेगी वाला रास्ता। कितना आगे जाना होगा? 10 मिनट लगेंगे। ठीक, जय माँ, अपने दर्शनों को बुलाया, आशीर्वाद रखना माँ हम पर, हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों पर। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम दर्शन करेंगे, माँ के मंदिर के बारे में जानेंगे।